हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में, जो कि हम आज जाने वाले हैं खिलचीपुर। आप देखकर समझ जाओगे कि हम किस लिए आए हैं खिलचीपुर। मैं आपको पूरा बताता हूँ यहाँ पर कैसे क्या काम चल रहा है। आप देख सकते हो स्टेज का पूरा काम कितना भारी चल रहा है यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन पूरी लगी हुई है। टेंट का काम कम्प्लीट हो चुका है पूरा, और इधर हमारे बालाजी विराजमान हो गए हैं। उधर की साइड हमारे दादा गुरु बैठेंगे, जो कि अभी काम चल रहा है उनका। भाई आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आया हूँ खिलचीपुर, जहाँ पर धीरे शास्त्री जी आपको मिलेंगे पूरा। ये हमारे अंजुल भैया, जो कि बागेश्वर धाम जी से आए गुरु जी, उनको बता रहे हैं कि हमने यहाँ व्यवस्था करी। आप देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। इन्होंने गेट भी बहुत अच्छा बनाया है, भीमराव अम्बेडकर के नाम से गेट है यहाँ पर। यहाँ सभी जगह मेटल डिटेक्टर लग रहे हैं, एंट्री होगी पूरी। यहाँ की जितनी गाला बनी हुई अलग अलग नाम में अलग अलग समुदाय के, अच्छा है, तो अच्छी नई चीज़ है। हिंदू समाज एक हो तो तभी होगा जब उसको एक सूत्र में बांधने के लिए ये संकल्प लिए जाएंगे। सही है, ठीक वो देखेंगे। वहाँ तक पानी है, देखिए पूरी नॉन स्टॉप 24 घंटे पानी की टेंशन। हमने सीधे डैम से बंद कर, मैं उसकी कह रहा हूँ क्या बोलते हैं, हम लाइन बिछा दी महाराज जी, ये सही किया। और इतनी देर भी रहेगी इस तरफ की लाइन। गाइस, डेकोरेशन भी पूरा कंप्लीट हो गया है, लाइट भी पूरी लग चुकी है, और अब चलने के बाद कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। बातों में मैं तो भूल ही गया था कि हमें आर्ट भी करना है। रात ही बहुत ज़्यादा हो गई, चलिए गाइस अब आर्ट करते हैं। तो गाइस देखो, अब रात में काम करना पड़ रहा है हमको। यहाँ पे जो महाराज है ना, उनका जो होटल है, इस होटल में बना रहा था मैं, जो कि यहाँ पे मैंने बिछा दिया है, ये कुछ इस तरह से बनेगा पूरा। और ये जो मेरे फ्रेंड वगैरह है, ये देखो चर्चित जोगी, हाय चर्चित जोगी, ये भैया जी हमारे, एक और इनसे बात करिए देखो। हेलो, जय श्री राम। ये एक और भैया योगी, जय श्री राम। हम सब मिलकर बना रहे थे, आप देखना भी वो कुछ बनेगा ना उसके बाद। और प्यार पानी भी आने लग गया है थोड़ा सा, तो कर रहे हम ठीक है गाइस। अभी मिलते हैं अपन हम सुबह या फिर अभी मैं थोड़ा बनाता हूँ, फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी रंगोली भी आधी कम्प्लीट हुई है। हम इसको 6 बजे तक कम्प्लीट कर देंगे इसको पूरी। आप मुझे बताना कमेंट में कैसी बनी। तो गाइज अभी मेरे पास अभी कॉल आया है मेरे फ्रेंड का कि हमारे गुरुजी राजगढ़ जिले के अंदर पधार चुके हैं। आपको दिखाता हूँ वो कैसे आ रहे हैं और उनके लिए जनता कैसे पागल हो रही है। आप देख सकते हो हमारे गुरुजी बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश है, और जनता भी बहुत ज़्यादा खुश है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, गुरुजी भी बहुत ज़्यादा ही खुश है। आप देख सकते हो जनता ही बिल्कुल पागल हो रही है उनके लिए। गाइज अब हमारे गुरुजी होटल के अंदर पहुंच चुके हैं, उनकी आरती वगैरह करी। हमारे सारे जो भक्त वगैरह से कैसे उनके लिए कूद रहे हैं, अब वो थोड़ा आराम करेंगे, अभी अपन चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिसने मेरा मतलब जो मैं रंगोली वगैरह बना रहा हूँ उसने पूरी मेरी हेल्प की है। और अभी यहाँ पर अभी इनका पूरा स्टेज सजा, आप देख सकते हो पूरा कितना प्यारा लगा है। यहाँ पर बागेश्वर धाम आने वाले हैं, आप देख सकते हो पूरा, मैं अभी कल बनाऊँगा और जो पेंटिंग अभी जो रील डालूंगा ना उसको भी आप देखना पूरा। तो गाइस यहाँ पर भजन संध्या भी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस ये है हमारे कैमरामैन, जो कि इन्होंने पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। अब इतने में हमारे यहाँ पर पानी आने लग गया है, तो पानी की वजह से अभी थोड़ा रोक दिया है। इतने में आपको मिलवाता हूँ हमारे कलाकार जी से, इन्होंने पूरा स्टेज का काम किया है, और जो बारीक बारीक डिज़ाइन दिख रही है ना आपको, बिल्कुल कलाकारी सब कुछ इन्होंने किया है। वो बहुत बड़े कलाकार हैं, मुंबई के रहने वाले हैं।
और ये हमारे बजरंग दल वालों ने पूरा संभाल लिया है, पानी की वजह से इन्होंने पूरा सब सेटअप वगैरह इधर कर दिया है। आप देख सकते हो कितना लगे हैं बेचारे। यह स्टेज के ऊपर का नज़ारा, यहाँ पर हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं और इधर हमारे गुरु जी बैठेंगे। सब कुछ रेडी कर लिया है इन्होंने, अब कथा भी प्रारंभ होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। और इधर भजन संध्या हो रही है, बहुत मस्त गाते हैं लोग, बहुत प्यारा गाते हैं। तो गाइज अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की ओर, वहां पर इन लोगों ने इतनी सिक्योरिटी कर रखी है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता उधर, आपको दिख। तो गाइज ये है हमारे गुरुजी की कार, यहाँ पर पुलिस की भी कार खड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज्यादा सिक्योरिटी है। अब हमारे गुरुजी भी स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, कथा भी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हो यहाँ का नजारा कि सारे लोग कितना भक्ति में लीन है, झूम उठे हैं, नाचने लगे हैं। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ का। हमारे ये भाई साहब से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर इंसान कितना खुश है, आप इनको भी देख सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा खुश है। सारी प्रॉब्लम सारी टेंशन सब कुछ घर पर रख के आए हैं, यहाँ पर बिल्कुल बस भक्ति में लीन है। आप देख सकते हो कितना प्यारा दृश्य है। तो गाइस मैं भी गुरुजी से मिलने गया था, उनको एक छोटा सा तोहफा दे के आया बस, वो बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो गाइस अब गुरुजी भी निकल रहे हैं उनके धाम के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, इसलिए वो निकल रहे हैं जल्दी, पर फिर भी जनता उनको जाने नहीं दे रही है। कुछ सोच रहे हैं कि बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो गए हैं, पर फिर भी वो हमारे लिए बाहर निकल कर आए, हमारे साथ दो बातें की और उन्होंने भजन भी गाए। आप देख सकते हो कितना प्यारा भजन गाया है गुरुजी ने। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं, माँ अंजनी जी के दुलारे हैं, तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह संकट मुक्त हो जाता है, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, तो राम जी के राम जी हमारे हैं, तो
मेरा बाबा बिना अब कोई नहीं, मेरा बाबा बिना अब कोई नहीं, मेरा गुरु के बिना अब कोई नहीं, मेरा गुरु के बिना अब कोई नहीं। इसीलिए सब गाओ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो हमारे गाइस, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया? गुरुजी ना मुझे बार बार देख रहे थे, देखो आप वीडियो में, और सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्या कर रहा बैठे बेटा। मैं उनका ना वही पास में बैठ के वीडियो बना रहा था, और कुछ नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा अब हम ना जा रहे हैं, आते रहो भाई, अब हमको जाना है। हम मुशायरा करने वाले दिख रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर अभी गुरु जी बैठे थे, देख सकते हो इसी पर आपके गुरु जी बैठे हुए। मैं यहीं पर आया था आपको वेट कराने के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर कितना मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। आप